हेलो फ्रेंड्स, ट्रेंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में फॉन्ट को कैसे बदल सकते हो। काफ़ी स्टाइलिश फॉन्ट आप डाल सकते हो। यहां पे देख सकते हैं, आपको काफ़ी ढेर सारी बढ़िया बढ़िया फॉन्ट देखने को मिल जा रहा होगा। यहाँ पे देखिए, सब कुछ नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ चेंज हो चुका है गाइस। यहाँ पे सेटिंग्स भी चेंज हो चुका है, इस तरह का फॉन्ट आ चुका है। और ये सभी के फ़ोन में अवेलेबल नहीं होते हैं, सिर्फ सैमसंग के फ़ोन में ये ऑप्शंस मिलता है हमें फॉन्ट को चेंज करने का। लेकिन ये मेरे पास अभी रियलमी का फ़ोन है, रियलमी XT, और मैंने रियलमी XT में ये ट्रिक को यूज़ करके मैंने दिखा दिया कि ये आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं, आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में फॉन्ट को बदल सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को दोस्तों यही बताने वाले हैं। चलिए गाइस, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारा ये ट्रिक जरूर पसंद आएगा। अगर आपको हमारा ट्रिक पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप सभी को रोजाना ट्रेंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर नई नई ट्रिक वीडियो देखने को मिल जाते हैं। तो यार, इसके लिए बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, जिसका नाम है जेड फॉन्ट। तो आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। आ जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है गाइस जेड फॉन्ट। तो यहाँ पे देखो जेड फॉन्ट, इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन को सर्च करके इस एप्लीकेशन को जो है वो आपको इंस्टॉल करके ओपन करना है। जब आप फर्स्ट टाइम इसे ओपन करिएगा तो अगर आपसे कुछ परमिशन मांगा जाए तो आप उसे अलाउ करके दे दीजिएगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन इसलिए मांग रहा है परमिशन क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो रूटेड नहीं है। इसके बाद देखो गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी ढेर सारी जो है वो ऑप्शंस मिल जाती है फॉन्ट की, आपको किस तरह का फॉन्ट पसंद है। अगर इसमें से कोई पसंद नहीं है तो यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, यहाँ पे स्टाइलिश का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ से चलो फिलहाल मैं आपके लिए दिखाने के लिए एक फॉन्ट को मैं यहाँ से चूज कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको चलो दिखाने के लिए मैं एक फॉन्ट को चूज करता हूँ, कौन सा फॉन्ट, जैसे कि आपके ऊपर दोस्तों ये है, निर्भर करता है कि आप किस तरह का फॉन्ट रखना चाहते हैं। चलो मान लेते हैं हम कि कुछ पल के लिए कि आपको ये फॉन्ट जो है वो बढ़िया लग रहा है। चलो कौन सा यार, इसमें इतना सारा फॉन्ट है कि हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सा फॉन्ट को मैं चूज करूँ। तो चलो मान लेते हैं कुछ पल के लिए, किसी भी तरह का आपको एग्जाम्पल में दिखाना है तो मैं ये फॉन्ट को यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ऐड दिखेगी तो ऐड को आपको कट कर देना है। इस तरह से फॉन्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड करना है। ये डाउनलोड भी काफ़ी जल्द हो जाएगा गाइस, तो देख सकते हो ये डाउनलोडिंग हो रहा है अभी। तो ये डाउनलोड हो चुका है, अब यहाँ से ऐड है तो कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद ये सेट का ऑप्शन है, तो सेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सेट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका बहुत सारा फ़ोन का कंपनी का मॉडल नाम आ जाएगा, आपका कौन सा फ़ोन है। तो यहाँ पे मेरा रियलमी का फ़ोन है तो रियलमी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद गाइज आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा होगा सपोर्ट ड्यूअल करेक्टर BEST, तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे ओके के ऊपर प्रेस कर देना है गाइज। इसके बाद आप सभी को यहाँ पे इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर देना है। अगर आपके फ़ोन में ये इंस्टॉलिंग हो जाए उसके बाद आपको दो सेटिंग्स करनी है। वो सेटिंग्स क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपके फ़ोन के सेटिंग्स में आ जाना है गाइस। सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको सबसे पहला जो है वो काम करना है कि आपको लैंग्वेज एंड रीजन में जाना है। इसके बाद यहाँ पर रीजन में गाइस आपको म्यांमार चूज करना है, देख सकते हो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है म्यांमार। इसके बाद आपको एक और सेटिंग्स करना है जो है आपका डिस्प्ले का, तो वो डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऑप्शन पर आपको आना है। फिर से आने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है गाइस, यहाँ पे सपोर्ट डायल करेक्टर का एक ऑप्शन दिख जाएगा तो आपको इसे इनेबल कर देना है। अगर आप इनेबल नहीं रखते हैं तो आपको पहले जैसा फॉन्ट रहेगा इस तरह से कुछ सिंपल सा, लेकिन जैसे ही आप इसे इनेबल कर देंगे तो आप देखिए इस तरह का फॉन्ट हो जाएगा। आपने देखा कि मैंने यही फॉन्ट को सिलेक्ट किया था और इस तरह का फॉन्ट हो चुका है। अब हर जगह जो है यही फॉन्ट हमें देखने को मिल सकता है, देख सकते हो यहाँ पे नोटिफिकेशन में, ऐप में, कहीं भी आप देख लो गाइस यही फॉन्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह से जो है वो अपने फ़ोन में फॉन्ट को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आप हमें बताना गाइस कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको हमारा ये ट्रिक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो गाइस, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।